हम जो भी सोचते हैं वो हमेशा ट्राई करो कि पॉजिटिव सोचो, क्योंकि माइंड में कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस में पड़ा रहता है। अब कैसे मैं बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ अभी। हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सप्लोरर यादव। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क पहुंच गया बहुत ही जद्दोजहद के बाद। सुबह सुबह अपने आप को चैलेंज करना एक बहुत अच्छी बात होती है, इन अ पॉजिटिव वे। ऐसा नहीं कि तुम किसी और चीज़ में लगे हो। और इधर से निकलना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जा रहा हूँ अभी सनराइज पॉइंट पे, वहाँ पे करेंगे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और वापस चलेंगे अपने घर। एंड दिखाऊंगा मैं आपको आज का रूटीन, ठीक है, बने रहो। तो एक्सरसाइज होगी यार, हालत दिखी रही होगी, बहुत ही ख़तरनाक सी हो रही है एकदम। पीछे वो अंकल ताली बजाते आ रहे हैं सुबह सुबह योगा वाली, हाँ बिगड़ते हैं। तो लोग घर चल के मिलते हैं यार। तो अभी आते टाइम पे वो पारिक जनरल स्टोर वाले भैया मिल गए थे रास्ते में, तो उन्होंने लिफ्ट दे दी मुझे। मैंने बहुत मना किया, टूटे टूटू से मसल्स बनते हैं, और आपकी बॉडी में जितने मसल बनेंगे उतना ही आपका फैट बर्न होगा। और हार्ड वर्क करना कभी मत छोड़ो यार, सक्सेसफुल होना है लाइफ में। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो सक्सेसफुल नहीं होना चाहता हूँ, हर कोई होना चाहता है, बट ऐसा बहुत कम होते हैं जो हार्ड वर्क करना चाहते हैं। पड़े रहते हैं एमलेसली एकदम बेड पे, कुछ नहीं करना है फ्री टाइम में। तो मुझे आजकल ऐसा हो गया कि फ्री टाइम होता है तो मैं पढ़ा रहता हूँ, तो लगता है कह रही है मैं कुछ कर क्यों नहीं रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है। लगता हर किसी का होगा बट करता कोई नहीं, बहुत कम करते हैं। हार्ड वर्क करो। वो इस फटाफट से नीचे आ गए, और ये है गेहूँ, और गेहूँ से बनता है आटा, ठीक है। तो मैं गेहूँ गांव से लेके आता हूँ और इधर ही पिसवाता हूँ उसको, क्योंकि यहाँ का जो गेहूँ होता है उसमें बहुत ही मैदा मैदा जैसा रहता है और फाइबर वगैरह होता नहीं उसमें, तो ये मुझे ज़्यादा ठीक लगती है चीज़। और इसको धोने बहुत बड़ी मेहनत लगती है इसको धोने में, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से वो हो गए हैं, पटा बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है।
एक छोटा सा टास्क है आज का, इसको ख़त्म करते हैं। ये जो हमारी चमक छल्लो चमकाता है, कहाँ से बहादुर? नेपाल से। कहाँ से? नेपाल से। बहादुर शर्मा था बहुत है, नेपाल से है। वैसे बहादुर नाम सुन के आपको लग गया होगा नेपाल से। ऊ बहादुर ऊ शेर है सब्जी, याद है? ओके सो वी आर ऑल सेट एंड लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। इट्स 9:30 ऑलमोस्ट एंड थोड़े बहुत स्प्राउट्स हैं और इसमें आलमंड्स हैं। गुड फैट बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। सिंस आई एम इनटू फिटनेस आजकल, बहुत पहले भी था बट अभी वापस से शुरू कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन। और अभी एक मस्त चीज़ हुई, मैं बताता हूँ आपको, इसका कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ मैं कि हम जो भी सोचते हैं वो हमेशा ट्राई करो कि पॉजिटिव सोचो, क्योंकि माइंड में कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस में पड़ा रहता है। अब कैसे मैं बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। अभी सुबह मैं जब गया था उधर बायोडाइवर्सिटी पार्क, तो आते टाइम पे वहाँ पे मुझे एक बंदा दिखा और मुझे ऐसा लगा मैंने कहीं देखा है इसको यार, कहीं तो देखा है। अब वहाँ पे पूरे ऑल ओवर मतलब गुड़गांव से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे, बहुत बड़ी पार्किंग है, मैंने दिखाया है उसमें मर्सिडीज़ और रेंज रोवर और ये सब खड़ी रहती हैं वहाँ पे, बहुत दूर दूर से आते हैं अच्छे लोग आते हैं। खैर वो अलग बात है। तो हुआ क्या, मैंने उस बंदे को देखा और मुझे लगा मैंने कहीं देखा है इसको, कहीं तो देखा है, पर याद नहीं आया उस टाइम पर, भूल गया मैं, छोड़ो। आया अपना बढ़िया, नीचे गेहूँ वेहूँ साफ़ करे, वो मैंने बताया था अभी। बहुत टाइम हो गया उसको, 9:30 हो गए और 6:30-7 की बात है, वो मैं भूल गया। ठीक है, इतने सारे काम हो गए, अब काम स्टार्ट भी कर दिया मैंने। अभी जब मैं नहा रहा था तो मैं शैम्पू लगा रहा था, जब शैम्पू लगा रहा था तो मेरे बालों में हाथ गया तो फिर मुझे याद आया कि अरे यार कितनी बेकार कटिंग कर दी यार, और मतलब करवा ली मैंने, कर तो नहीं। तो फिर ये कनेक्ट हुआ कि मैं एक सैलून में जाता था, सैलून में ऐसे करके शैम्पू लगाते थे वो, बहुत सॉफ्टली, बहुत अच्छे से, साहिबा करके, उसका मैंने एक वीडियो भी डाला। फिर उस साहिबा का मुझे ओनर याद आया और वो बंदा वही था जो मैंने सुबह देखा था। मतलब सोच रहे हो, मतलब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ पड़ी थी और मेरा माइंड में भी तब से ट्राई कर रहा था कि मैं इसको रिलेट कर पाऊँ चीज़ें, उसको बताऊँ ताकि इसको चीज़ याद आए। सोच रहे हो भाई साहब। अब वो भी सुनो, एक और चीज़, मैंने बाथरूम में नहाते टाइम पे सोचा कि अरे यार ये मैं ऑडियंस को बताऊँगा। बाथरूम से निकला, पूजा वगैरह कर रहा था, ये सब कर रहा था, तैयार वगैरह हो रहा था, मैं भूल गया ठीक है कि मुझे बताना भी है। अभी जस्ट मैंने कैमरा ऑन किया कि मैं कैसा लग रहा हूँ, शॉट लेने से पहले देखते हैं ना कि हाँ भाई कैसा लग रहा हूँ, देख लेता हूँ। वापस से मेरा बालों पे ध्यान गया, ठीक है कि यार बाल अच्छे नहीं लग रहे यार अभी भी। एंड गेस व्हाट, मेरा माइंड वापस गया कि भाई तू साहब पे बाल कटाता था, तू ऐसे शैम्पू कराता था। एंड मतलब मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ बट ये बहुत ऐसे करके हुआ। अरे यार सुबह जो बंदा देखा था वो साहिबा का ओनर था, सैलून का ओनर था, कुतुब प्लाजा में जाता था, मैं आपको याद होगा। तो इसीलिए वो कहता हूँ ट्राई करो कि आप जो सोचो वो पॉजिटिव हो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस में पड़ा रहता है और आपका माइंड कहीं ना कहीं से ट्राई करता रहता है कि आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं से रिएक्शन देता रहता है कि भाई तू ये कर या तू ये कर, ताकि तुझे वो काम करना है जो तेरे माइंड में पड़ा है एंड आप उसी तरीके से एक्ट करते हो। तो आप नेगेटिव सोचोगे, अब नेगेटिव रहेगा दिमाग में तो फिर वो नेगेटिव धीरे धीरे उसकी तरफ लेके जाएगा कि तुम ये सोचो तुम्हें वो करना है, नेगेटिव सा करो। माइंड इज सो पावरफुल। एनीवे इसको मैं छोटा करके सोच रहा हूँ, उसको भी डाल दूँ यार किसी इंस्टा शॉट वगैरह पे। टूटा आ गया स्कूल से और सब में ये देखो टेस्ट था इसका, स्टार लेके आया है इंग्लिश का 14/14।
और इसमें ये इसमें स्टार और ये देखो गाइस इसमें भी स्टार, तीनों कॉपी में स्टार, इसमें तो करवाया नहीं था इसने। वेरी गुड, सब में टॉप किया इसने, फुल आउट ऑफ फुल लेके आया। मैंने भगवान से मांगा था, मेरे को स्टार मिले, स्टार मैंने भगवान से कहा था कि भगवान मेरे को तीनों कॉपी में स्टार मिले तो मिल गया। थोड़ी ज्यादा गेहूँ को ऊपर लेके आ गए और बहुत ही मेहनत लग रही है, और मेहनत करनी पड़ती है अगर अच्छा खाना है और देसी खाना है तो। ठीक है, तो पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे, मतलब यूट्यूब पे। मेरा एक फ्रेंड है मनोज खनका, उसके फादर ही सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन जिस नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें उनके प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो रहे हैं डेली डेली। तो मैं वहीं जा रहा था अभी, हॉस्पिटल में एडमिट है, इधर ही नारायणा में फेज 3। तो नेशन के लिए अगर कोई ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है तो कमेंट कर देना या कॉल कर देना सीधा खनका को या मुझे। वी आर फाइनली बैक, और वही काम जो छोड़ के गए थे आज का पूरा व्लॉग ही इस पर हो गया, क्यों पिसाने पे। और कमेंट या कनेक्ट कर लेना किसी का अगर ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो। चलो गाइस रेडी हो गए और जिम में दिखाता हूँ तुमको आपको शॉर्ट्स फटाफट। बाय। नहीं बाय अलविदा। Know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ act, never gotta roll with ice. No rush, go on, you dumb, push and form, you dumb. Peace and love, sent to peace and gloves, now you gotta do a run up. Generations caught up, look how things will switch. People there quick, now they wanna move out the bits. Boy wanna grow to a bitch, nah. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Got it from me, all that energy extra. They don't wanna see me with the hitters. Leaving the beaters alone. No feelings involved. I, child, leaving them beaners alone. Me, with a squeeze. I'm getting hype, bitch. She got that G, but she ain't know the way. She knew my face, she heard my name, pulled up and caught the wave. I'm feeling lonely, so I hope she stay. I'm confident when I'm drinking red. I hope you get a taste. Despite being a stereotype, I'm up on the hat. These niggas, they coming around, they tryna just fuck on my vibe. Playboy like my name was Cardi. All my black Barbies, they come around along me. जहाँ से दिन हमने शुरू किया था, वहीं पे खत्म करते हैं प्रोटीन पे। ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड बाय बाय टाटा टाटा टाटा। ठीक है, गुटूटी ने भी टाटा कर दिया और मेरी तरफ से भी टाटा। कमेंट करके जाया करो यार कैसा लगा ब्लॉग। ठीक है, और ऐसे धीरे धीरे हम अच्छा करते रहेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।